नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिखाने में भी हम बहुत शर्मिंदा हो जा रहे हैं, मगर करें क्या, मजबूरी है। अगर ये नंगी हकीकत आपको नहीं दिखाएंगे तो हम भी बिके हुए गोदी मीडिया कहलाएंगे। तस्वीरें ही ऐसी हैं। आरा की खबर है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। देखिए किस तरह से ये प्रशासनिक बंदा किस तरीके से महिलाओं पर हाथ उठाने की हिमाकत कर रहा है। पूरा मामला क्या है सुन लीजिए। दरअसल आरा बिहार के सुशासन बाबू के सरकार की ये पुलिस है और यहाँ कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए महिलाओं को हड़का रही है। किसी के मजाल कहाँ है जो कानून के राज में थोड़ा सा भी खड़ा हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में पुलिस वालों को खुलेआम छूट मिल चुकी है। उनकी मर्जी चाहे जो हो वो कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आपके जहन में गुस्सा और आंखों में पानी आ जाएगा, क्योंकि बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना का थानेदार का यह कारनामा है। आप भी दंग रह जाएंगे। यह थानेदार सरेआम महिलाओं को गाली गलौज करता है और थप्पड़ भी मारता है। जब इसने ये सब कुछ किया तब वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। किसी ने मोबाइल से धीरे से वीडियो बना लिया, इसने मोबाइल छीना और फेंक दिया। पूरा मामला जिले के गढ़हनी बाजार का है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने निकले थानेदार ने पहले तो दुकान बंद करने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों को धमकाया, फिर उनको डीजीपी बिहार का हवाला देते हुए सरेआम थप्पड़ चलाने की कोशिश की और उसके बाद गाली गलौज भी किया। तब इस घटना की वीडियो कोई बना लेता है। वर्दी के रौब में थानेदार साहब दूसरे का कानून शिक्षा देते हैं, अपने ही कानून को तोड़ देते हैं और उल्टे FIR दर्ज करने की बात करते हैं। इस मामले पर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मामला चाहे जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरीके से पुलिसिया जोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं भत्सना के लायक है। बिहार में महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। आपको पता होगा भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल की जो तस्वीर हमने दिखाई थी, कैसे ऑक्सीजन के नाम पर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, उसके पति की जान भी ले ली गई। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए और खुद ही तय कर लीजिए बिहार किस तरफ जा रहा है। सच है, गड़ानी के तुरंत इतना बदतमीजी कर रहा है कि हम लोग के साथ आके घर में एक लड़का भागा, चहेट के घर में हम लोग को भाग गया। हम लोग भाई घर में रहे थे, अपना काम धंधे में लगे थे, आके बिना लेडीज के साथ हेल गए घर में। अब बदतमीजी कर रहे थे, अब बोल रहा था धमकी देने के लिए कि हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। मामला पूरी मामला क्या था? मामला था कि एक लड़का भाग गया घर, तो आए तो अपना घर में नहीं हिला, दूसरे के घर हम लोग के घर में हिल गया। क्या सुनने में आ रही है कि आप लोग के साथ बदसलूकी भी किए थे? हाँ, बोल रहा था मारने के लिए, धमका रहा था, फिर बोल रहा कि जेल देने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग बोले। क्या घर में कोई लोग थे या नहीं थे? कोई घर में मर्दाना लोग नहीं है, घर में कोई नहीं था, मर्द लोग कोई नहीं था, पुरुष कोई नहीं था, खाली लेडीज के साथ हम लोग थे। घर में घुस कर हम लोग का बोल रहे थे कि जेल चढ़ा देंगे, भेज देंगे। मोबाइल हम लोग को छीन के बिक दिया, लाते से मार रहा था। ये बदतमीजी हो रहा है, पुलिस बहुत अपना अत्याचार कर दिया है गढ़हनी में। उनके अब कहने की कोई बातें नहीं, बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे? दुकान पर नहीं, रोड पर घर है तो हम रोड पर नहीं रहेंगे, दुकान है रोड पर है ना, तो हम लोग तो भीतर रहेंगे। सुनने में आ रहा है बोल रहा था कि दुकान खुला है, खुले के कारण आप लोग के साथ ऐसा किए थे? नहीं, दुकान खुले के नहीं, घर में हम लोग को रूम में रखा है ठंडा, तो ठंडा रहेगा वहीं में हम लोग सूते हैं। माता पिता तो कहाँ जाएंगे, दलान है तो नहीं सूतेंगे। लेडीज फोर्स भी नहीं था उसके नहीं था। बाद ही में बुलाया बदतमीजी पूरा करने के बाद, वो भी उल्टा पलटा बोल रहा था, तो हम लोग भी बोले। गाली गलौज भी दिया था? हाँ, गाली गलौज सब बदतमीजी बहुत किया था, तो हम लोग पाछे से बोले, फिर लेडीज उतारा ले चलो बूढ़ी का धक्के। आपको भी कुछ बोल रहा था? हाँ, ले चलो बूढ़ी का धक्का निकल, ले चले घर से। हम बाहर घूरी थी तब ना हमारा करती है, इससे हम तो मानी घर में, तो घर छोड़ कर भाग जाये तो हमारे घर में दोनों में ताला बंद करी। हम घर से हम बहरिये रहे रोड पर, लाव है दुकान बंद करने के लिए, चाहे सील करने के लिए, घर दला नहीं है सील करने के लिए, तो घर है तो हम लोग रख दिए, तो कैसे दिक्कत उन लोग? क्या है, क्या नाम है आपका? बीना बत काजल कुमारी। कहाँ घर आपका? आपके घर हम गढ़ में। तो है सर, दो दामाद घर के आए थे अपना औरत ले जाने के लिए, और उसके बिना मतलब का मार दिए, दो तीन ही थी मार के अजाब से पीट दिए। बताओ कितना हम लोग का इंसल्टिंग हुआ कि नहीं? मारेंगे फराक से।
अरे आप लोगों का कम से कम काम है जो निर्देश से निर्देश दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।